हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं एक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। यहाँ फंक्शन की तीन वैल्यूज है, या फंक्शन को तीन अलग अलग इंटरवल में डिवाइड किया गया है और तीनों इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। हमें यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है? एफ टी। एफ टी की वैल्यू क्या है? टी टी माइनस वन और जीरो। टी किस इंटरवल में? जीरो से वन बाय टू। टी माइनस वन किस इंटरवल में? वन बाय टू से वन। जीरो किस इंटरवल में? वन से बड़ी वैल्यूज के लिए, यानी कि वन टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे ये जो है इंटरवल, इसको तीन भाई देखो, हमारा जो इंटरवल चलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वो चलता है जीरो से इंफिनिटी। तो यहाँ जो जीरो से इंफिनिटी है इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, जीरो से वन बाय टू, वन बाय टू से वन और वन से इंफिनिटी। आप देख सकते हैं जीरो से वन बाय टू, वन बाय टू से वन और वन से इंफिनिटी। टी इज ग्रेटर देन वन का मतलब वन से बड़ी वैल्यू। तो जीरो से वन बाय टू गए, वन बाय टू से वन गए, वन से इंफिनिटी गए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन काम में आएगी। पहले मैंने आपको समझाया है, जब किसी फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू हो तो उसको हम लाप्लास की डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एफ टी एफ टी डी टी। यहाँ एफ टी की कौन सी वैल्यू आएगी तीनों में से, वो डिपेंड करता है इंटरवल। अभी हमारा इंटरवल है जीरो से इंफिनिटी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जीरो से इंफिनिटी इंटरवल जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जीरो से वन बाय टू प्लस वन बाय टू से वन प्लस वन से इंफिनिटी, और अंदर जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब हमें ये जो फंक्शन है एफ टी, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है वो डिपेंड करता है, मैंने बोला इंटरवल पर। यहाँ इंटरवल है जीरो से वन बाय टू, और जीरो से वन बाय टू इंटरवल में एफ टी की वैल्यू क्या है? टी। तो यहाँ मैं एफ टी की जगह क्या रख दूंगा? टी। तो जीरो से वन बाय टू ई टू द पावर माइनस एफ टी एफ टी की वैल्यू रख दी मैंने टी। अगला इंटरवल है वन बाय टू से वन ई टू द पावर माइनस एफ टी एज इट इज। यहाँ एफ टी की वैल्यू क्या आएगी? वन बाय टू से वन इंटरवल में टी माइनस वन, तो रख दिया टी माइनस वन प्लस वन से इंफिनिटी, यानी वन से बड़ी, वन से बड़ा इंफिनिटी से छोटा। वन से बड़ा कहाँ पर है? टी। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो ये जो तीसरा इंटीग्रल है इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी? जीरो। बाकी बचे दो इंटीग्रल, इनको हमें सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हम यूज में क्या लेंगे? आइलेट मेथड। आइलेट मेथड क्या कहता है? एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानो, ये पूरा एल्जेब्रिक फंक्शन मान लूंगा इसको फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानो, ये आ गया सेकंड फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं ये पहले मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। मान लो हमारे पास दो फंक्शन है यू और इंटू वी, इसका एक्स के सापेक्ष करना है, पहले वो रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, ये जो वैल्यू आएगी इस पूरी वैल्यू का वापस से एक बार और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट को रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है e टू द पावर माइनस एस टी, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस एस टी बटा माइनस एस, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, सेकंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, और ये जो वैल्यू आई है इसका वापस से एक बार और इंटीग्रेशन होगा t के रेस्पेक्ट में, ये कर दिया। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है यहाँ पे? जीरो से वन बाय टू। तो ये तो आ गई पहले इंटीग्रल की वैल्यू, प्लस सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट को रखना है तो फर्स्ट क्या है? टी माइनस वन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी माइनस वन का क्या होगा? वन, टी का वन, वन का जीरो हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन ये कर दिया सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ये जो वैल्यू आ रही है इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, ये कर दिया एक बार और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट है वन बाय टू से वन। अभी मैंने सेकंड बार इंटीग्रेशन किया नहीं है, अब मैं करूंगा अगली स्टेप में। तो यहाँ पे टी ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस को एज इट इज रख दिया। यहाँ पे
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक बार और ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ वन अपॉन एस को मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी बचा ई की पावर माइनस एस टी डी टी, एक बार इंटीग्रेशन होगा, तो एक बार इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी बटा माइनस एस, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1/2, प्लस यहाँ आ जाएगा टी माइनस वन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ ये वाला मैं माइनस प्लस हो गया, एस को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर भी वो ये ई की पावर माइनस एस टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी बटा माइनस एस, इंटीग्रेशन की लिमिट लग जाएगी 1/2 से 1। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, बस केवल लिमिट लगानी है हमें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रहे हैं हम, तो बराबर पहले मैं लगाऊंगा अपर लिमिट, अपर लिमिट है 1/2, और ये लिमिट किसकी है, टी की, तो जहां जहां पर भी टी आ रहा है वहां पर मैं पहले क्या रखूंगा 1/2, तो अपर लिमिट पहले लगवाई 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/-2f, 1/2 लगाई तो 1/2f e टू दी पावर माइनस एफ, और टी की लिमिट 1/2 तो माइनस एस बाई टू, प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ एस है यहाँ एस है तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ ई की पावर माइनस एस टी है तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस बाई टू, ये लगा दिया अपर लिमिट। लोअर लिमिट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस क्या होती है लोअर लिमिट, तो माइनस जब लगाऊंगा तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा टी की तो ये पूरे फंक्शन क्या हो जाएगा 0, ये वाला माइनस और लोअर लिमिट जब लगाता हूँ तो माइनस आता है तो ये आ गया प्लस, जब लोअर लिमिट लगाऊंगा 0 तो ई की पावर क्या हो जाएगा 0 बटा क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, ये हो गया सॉल्व। प्लस आगे इस वाले की बात करता हूँ टर्म की, जब अपर लिमिट में 1 लगा रहा हूँ तो 1-1 क्या हो जाएगा 0, तो जब 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, अपर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब अपर लिमिट मैंने 1 लगाई तो e की पावर माइनस एस बटा क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, अपर लिमिट का काम हो गया, अब लोअर लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट किस में लगती है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटा में एस है ये लगा दिया एस, लोअर लिमिट 1/2 है तो 1/2-1, भाई 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, और e की पावर क्या आ जाएगी माइनस एस, 1/2 है तो टी की वैल्यू यहाँ लगा दिया एस बाय टू आ गया, अब लोअर लिमिट माइनस में लगती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटा में क्या है एस स्क्वायर, एस इंटू एस एस स्क्वायर, टी की लिमिट 1/2 लगानी है तो ई की पावर माइनस एस बाय टू आ जाएगा, ये लग गई सारी लिमिट। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ई टू द पावर माइनस एस बाय टू अपॉन 2s माइनस ई टू द पावर माइनस एस बाय टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 बटा एस स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये ई टू द पावर माइनस एस बाय टू बटा 2s हो जाएगा, ये 1/2 को यहाँ लिख दिया प्लस ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस बाय टू बटा एस स्क्वायर, तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा, तो e टू द पावर माइनस एस बाय टू अपॉन 2s e टू द पावर एस बाय टू अपॉन 2s ये को ऐड हो जाएंगे, e टू द पावर माइनस एस बाय टू अपॉन एस स्क्वायर ये कैंसिल हो रही है टर्म, ये टर्म मैंने कैंसिल कर दी, तो क्या बचा 1 अपॉन एस स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर को लिख दिया, ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी तो माइनस ही आएगा, डबल हो जाएगी तो 2 ई टू द पावर माइनस एस बाय टू अपॉन 2s, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आंसर अपना, ये आ गया अपना आंसर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ
आगे एक बेल का आइकन आता है, उस बेल के आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। उस बेल के आइकन पर आपको क्लिक करने का फायदा ये है कि जब मैं आगे अपने वीडियो और जो वीडियोस पोस्ट करूंगा तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे लेक्चर्स को शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। थैंक यू।